नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके पैतृक गांव बिहार के गोपालगंज में भी सन्नाटा छा गया है। महज 10 साल की उम्र में उनके पिता ने रोजगार को लेकर कोलकाता में फेरी का काम किया। बाबा सिद्दीकी ने गोपालगंज में क्रिकेट अकादमी और क्रिकेट के क्षेत्र के विकास के लिए अहम योगदान दिया है। शिक्षा से जुड़ी बात हो या फिर क्रिकेट के विकास की बात हो, गोपालगंज के खिलाड़ियों को हमेशा मदद करते थे। आज उनकी हत्या की खबर पाकर शेख टोली गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये हम सभी के गरीबों के मसीहा मुंबई के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके द्वारा जो उनके फादर के नाम से अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो मुफ्त शिक्षा चल रहा था, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज उस बच्चों का क्या होगा। बाबा सिद्दीकी का यूं ही चला जाना, ये सबको एक तरह से रुला गया है। किसी को यकीन तक नहीं हो पा रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छल्ली करके उनको मौत के घाट उतार दिया है। अलीगढ़ में श्री रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित श्री राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में श्री रामलीला मंच आंचल ताल स्थित रामलीला मैदान अलीगढ़ पर किया जा रहा है। आज श्री राम रावण युद्ध, रावण वध, श्री राम जानकी मिलन लीला का मंचन हुआ। मेले में 40 झांकियों के साथ 6 बैंडों, 2 महाराष्ट्र ढोल सम्मिलित रहे। जोधपुर शहर के युगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायका बाग में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी के सानिध्य में शारदीय नवरात्रि महोत्सव की पूर्ण आरती दुर्गा सप्तशती के पाठ से हुई। सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत ने बताया कि पूर्व आहुति में समाज सेवी माली देवी चौधरी, दिनेश बुगालिया, गणपत सिंह, राज पुरोहित आदि ने आहुतियां देकर खुशहाली और शांति की कामना की है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में नवरात्रि में गरबा की धूम देखने को मिली। देर रात तक मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय, अवा दुदोड़, राणावास, धामली सहित सैकड़ों गांव में गरबा की धूम देखने को मिली। देर रात्रि तक गुजराती एवं राजस्थानी मारवाड़ी गीतों की धुन पर युवक थिरकते नजर आए हैं। आमेट उपखंड मुख्यालय में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शहर में कई स्थानों पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता की आराधना में हिस्सा लिया। देवी मंदिरों में भी 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उपखंड के शक्ति पीठों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। खबर अलवर से है, जहां वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज की 144 प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान कस्बे के गोल सर्किल पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में भाजपाइयों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। जहाँ पर हर वर्ष प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह करते हैं और इस सम्मान समारोह के माध्यम से हम जो प्रतिभाएं हमारे समाज में निकल के आई हैं, जिन्होंने अपने काबिलियत के बल पर, शिक्षा के बल पर अधिक परसेंटेज लेकर के हम सबका नाम गौरवान्वित किया। खबर आगरा से है, जहां जमीन के फर्जी बैनाम धोखाधड़ी के मामले में दर्जन भर पर केस दर्ज किया गया। इस पर जमीन के फर्जी बैनाम को असली में प्रयोग करते हुए कीमती जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया। पीड़ित उमेश कुमार गुप्ता ने मामले में न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन सहित दर्जनों पर केस दर्ज किया है।
पाली कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोग ने डसना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर इस्लाम धर्म और मुस्लिमों के प्रति विवादित बयान को लेकर नाराजगी जताई है। मुस्लिम समुदाय के जुड़े दर्जनों लोग जामा मस्जिद ग्राउंड में इकट्ठा हुए और यति नरसिंहानंद के बयान पर आक्रोश जताया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि यति नरसिंहानंद पर NSA लगाया जाना चाहिए, जो लगातार इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान देकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पीपरा कोठी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के विवाद में हुई हिंसक झड़प में एक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना पीपरा कोठी के झखरा गांव की है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर दो बंगाली परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो पक्षों में जमकर हथियार चलाए गए, जिसमें तपस चंद्र दास नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देश में बढ़ते बेरोजगारी और नशा मुक्ति को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 16 अक्टूबर को हल्ला बोल कार्यक्रम करने का आह्वान किया है, जिसको लेकर मोतिहारी में पार्टी के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित किया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उससे बेतहाशा होकर नौजवान नशा खुरानी के शिकार होते जा रहे हैं। आप देखे होइएगा, हम ही लोगों को जिला में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो कोई ना कोई नशा का चीज नहीं पकड़ाता हो, और वह ग्राम में नहीं क्विंटल और किलो में पकड़ा रहा है, जिसका 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया मूल्य है। काफ़ी संख्या में इस जिला से लोग जाकर उस 16 तारीख को नशा मुक्ति आंदोलन, रोजगार दो और नशा मुक्ति छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। खबर सहरसा से है, जहां आज एक 22 वर्षीय युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश युवक ने 3,000 नगद, एक मोबाइल, एक चांदी का चेन लूटकर घटना को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो गया। वहीं पीड़ित युवक ने सदर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। छुरी मारने लगा, छुरी छीन लिया, पैसा छीन लिया, पैसा मोबाइल भी छीन लिया, बोला मारने भी लगा, खूब मारबो किया 2-3 थप्पड़, तब भाग गया। कितना पैसा था? 2,000-3,000 रुपया था। 3,000 रुपया? हाँ जी। सिकरी था और क्या था? दो मोबाइल, एक मोबाइल था। एक मोबाइल था, हाँ, कौन कंपनी का? रियलमी C35 था। कहाँ से आ रहे हो? वहाँ से, अंबाला से। जाना कहाँ है अभी? पामा जाना था। पामा जाना था, हाँ जी। रेसना, रेसना, हाँ जी। तो इधर कहाँ जा रहा था? इधर देश प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।